हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेम ही होते हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब है कि जिस काल के वाक्य से यह बोध हो कि कार्य हुआ नहीं बल्कि वो कार्य भविष्य में होगा, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस ही सिखाऊंगी। और आप इसकी पहचान कैसे करोगे? तो देखिए, इस टेंस में वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आते हैं, वो कौन से टेंस होते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई विल सी, यानी कि मैं देखूंगा, आई विल सी, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मैम, आई के साथ तो शैल आता है। यस, आई के साथ शैल और विल दोनों ही लगते हैं, लेकिन उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो शैल होता है और जो विल होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी कि गा। ठीक है, अंतर केवल इतना है कि जब आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं तो वो बात निश्चय नहीं होती। ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ जब हम शैल लगाते हैं तो वो बात निश्चय नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी शैल गो, वी शैल गो, यानी कि हम जाएंगे। इस सेंटेंस से हमें क्या पता लग रहा है कि जाने का इरादा अभी पक्का नहीं है। अगर हम आई और वी के साथ विल लगाते हैं तो वो बात क्या हो जाती है? निश्चय हो जाती है, यानी कि वी विल गो, यानी कि वी विल गो, तो जाना क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको आई और वी के साथ शैल और विल का डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आगे देखो, अगर यू या ही के साथ शैल आए, क्या हो? अगर यू और ही के साथ शैल आए, फॉर एग्जांपल यू शैल गो, क्या लिखा? यू शैल गो, यानी तो समझना चाहिए कि तुम ज़रूर जाओगे। ठीक है, अगर यू विल गो लिखें तो मीनिंग क्या होगा? तुम जाओगे, लेकिन निश्चय नहीं है, यानी कि अभी पक्का नहीं है कि तुम जाओगे कि नहीं। यू विल गो, ठीक है, अगर हमने लिखा यू शैल गो तो समझना चाहिए कि तुम ज़रूर जाओगे। अगर लिखा यू विल गो, क्या लिखा? यू विल गो, तो मीनिंग क्या होगा इसका? कि तुम जाओगे लेकिन निश्चय नहीं है, यानी कि अभी पक्का नहीं है कि तुम जाओगे कि नहीं। ठीक है, आई होप अब आपको शैल और विल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात क्या है, जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाओगे? शैल। क्या लगाओगे? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाओगे? शैल। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप विल लगाओगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करोगे। ठीक है, ये था हमारी पहली बात। और सेकंड बात क्या आपने ध्यान रखनी है कि जिन वाक्यों में इच्छा यानी कि डिज़ायर, आज्ञा यानी कि परमिशन और निश्चय हो, उनमें फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड
और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करोगे। कौन कौन से वाक्य थे वो? जिसमें कि इच्छा, आज्ञा और निश्चय हो, यानी कि डिज़ायर, परमिशन। ठीक है, उन वाक्यों में हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे। तो अगली फॉर्म आती है हमारे पास नेगेटिव, यानी कि जिसमें शैल नॉट और विल नॉट लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह नहीं देखेगा, तो इसका क्या बनेगा? ही विल नॉट सी। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाया जाता है, ही के साथ क्या लगा है? विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि क्वेश्चंस वाली फॉर्म। इसमें हम शैल और विल सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह देखेगा, और एंड पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्या वह देखेगा? विल ही सी। तो सब्जेक्ट के पहले क्या है? विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे हम करते हैं टाइम एडवर्बियल्स। फर्स्ट टाइम एडवर्बियल है हमारे पास टुमोरो। टुमोरो को हिंदी में क्या कहते हैं? कल। टुडे यानी कि आज। नेक्स्ट यानी कि अगला। इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट वीक, या फिर मंथ, या फिर ईयर यानी कि अगले हफ्ते, महीने या फिर साल। नेक्स्ट है टू नाइट। टू नाइट यानी कि आज रात को। दिस डे यानी कि इस दिन। दिस मंथ यानी कि इस महीने। ऑन मंडे या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी आप डे लिख सकते हो, यानी कि सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है सून यानी कि जल्द ही। ये वर्ड्स सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ करना है आपने, और डेली लाइफ में यूज़ करना है। आई होप आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबा लें, ताकि आपको टेंस के पार्ट्स की वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।